हमने गंगा समग्र बनाया। मुझे अंदाज ही नहीं था कि गंगा का मंत्रालय बनेगा। गंगा का मंत्रालय बना और मैं मंत्री बनी तो नमामि गंगे नाम से अरुण जेटली जी ने बजट की घोषणा करी और ये नामकरण अरुण जेटली जी ने किया है नमामि गंगे। तो सरकार का नमामि गंगे, संगठनों का गंगा समग्र और फिर अब गंगा विचार मंच और गंगा स्वच्छता मंच और ये मिलकर के इस कार्यक्रम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें 54 देशों के मंत्री और लगभग 150 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें भारत की स्वच्छता का विवरण जब उनके सामने रखा गया तो कई देशों ने तो हमें ये कहा कि आप बताइए कि आप ये कैसे कर सके थे ताकि हम भी अपने देशों में कर सकें। लेकिन NDTV पर एक बहस चल रही थी और उसमें मैंने जब मेरे से बात हुई उसमें तो मैंने को जब पूछा तो मैंने उनको कहा कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ODF इंडिया क्लीन इंडिया नहीं है। ODF इंडिया का मतलब है कि लोगों ने खुले में शौच में जाना बंद कर दिया है, लेकिन गंदगी अकेले शौच से नहीं हो रही थी। गंदगी के इतने प्रकार क्रिएट हो गए कि जो शौच से होने वाली गंदगी थी वो तो बारिश की एक बौछार में साफ भी हो जाती है, लेकिन जो दूसरे प्रकार की गंदगियाँ उत्पन्न हुई हैं वो तो ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करके आई हैं और इसलिए उनको नष्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए ODF इंडिया से क्लीन इंडिया की ओर जाना होगा। अभी अभी हमने एक कदम आगे बढ़े हैं हम, अब वो ये है कि महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति मिली, उससे होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण हुआ, लोगों को सम्मानपूर्वक गरीब लोगों को जीने का अधिकार मिला, क्योंकि जब बसाहट बढ़ गई, बस्तियां घनी हो गई तो महिलाओं को बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई, गरीब लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगे, महंगे शौचालय बन नहीं सकते थे, बहुत अच्छी बात हुई। और दो तीन राज्यों की जब समीक्षा हुई तो मैं खुद रह गई कि अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है तो कितना बड़ा काम होता है। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल पहले तक पूरा ODF का कवरेज 25% था और अब 99% हो गया। हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, 95 ही बोल रहे हैं क्योंकि बाकी के फिगर आते जा रहे हैं, ऑफिशियली हम 95 कह रहे हैं लेकिन मेरे पास में फिगर ये है।